So now we have Abhishek on the driving seat of the Tata Tiago EV. So talking about Abhishek's experience with EVs, so this is his second drive in an EV. First, he drove the Kia EV6. Now he's in the Tiago EV and we will share his experience about this vehicle. So Abhishek will take over from here and tell his experience about the Tata Tiago EV. So Abhishek, how do you feel about this car? So आई हैव बिन ड्राइविंग दिस व्हीकल सिंस अ वीक, यस और इसके पहले मैंने ईवी चलाई है. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट ईवी, मैंने EV6 चलाई है. बट उसके पहले मैंने सिर्फ आइस कार चलाई हैं, पेट्रोल डीजल कार्स. सो अगर ईवी स्पेसिफिक बोले तो दिस इज़ माई सेकेंड ईवी कार, और जिसको मैं एक सप्ताह से चला रहा हूँ. एंड लेट्स स्टार्ट द ड्राइव, फिर मैं बताता हूँ आपको. सो लेट्स पुट इट इन टू द डी मोड. सो दिस इज़ द डी मोड. हैंड ब्रेक इज़ डाउन. सो जैसे आप ब्रेक से पैर हटाते हैं, जो कार है वो क्रीप मोड पे चली जाती है लाइक एनी अदर ऑटोमेटिक यार. कार. तो ये तो नॉर्मल है. उसके अलावा अगर हम इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करें, तो पिकअप तो है गाड़ी में, मतलब जो नॉर्मल आइस कार्स होती है, पेट्रोल डीजल कार्स, उनके कंपैरिजन में पिकअप है. बट वो कुछ सेकंड्स बाद आता है, मतलब आप थ्रॉटल पे पैर दबाएंगे तो कुछ मिली सेकंड्स का गैप है, उसके बाद वो बहुत सही पकड़ता है स्पीड. मतलब आप इसको कह सकते हैं दिस इज़ अ पॉकेट रॉकेट. और इसके अलावा थ्रॉटल रिस्पॉन्स का ये जो मिली सेकेंड का गैप है, इसमें आप थोड़ा इशू हो सकता है आपको इसके साथ बिहेवियरल पैटर्न बनाने में इनिशियली या इनिशियली. बट या आप चलाते चलाते तो आदत पड़ी जाएगी आपको. उसके अलावा अगर हम बात करें, तो क्योंकि ये हैचबैक है, टियागो ही है ये एक तरह से, तो मन्यूवर करना बहुत इजी है ट्रैफिक में. वेरी नाइस सिटी कार, और इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है. आपको आपको 5.1 मीटर्स का टर्निंग रेडियस है इसका, तो वो काफ़ी अच्छा है. 5 मीटर्स होता तो और अच्छा रहता, बट 5.1 है इसमें. उसके अलावा स्टेयरिंग जो है वो हाई स्पीड पे, वो तो नॉर्मल है, हाई स्पीड पे थोड़ी स्टिफ हो जाती है स्टेयरिंग. और इसके अलावा या इसका गियर नॉब, जो इसका गियर नॉब है उसका बहुत बड़ा इशू ये कि वो इल्यूमिनेटेड है, मतलब इसमें लाइट है. आप यहाँ As we पे talked about in या the जो यहाँ earlier पे video. RNDS है, ये सभी में लाइट्स लगे हुए हैं. बट ये इतने मतलब कम इंटेंसिटी के लाइट्स है कि आपको दिन में नहीं दिखाई देंगे, तो सनलाइट में आप भूल जाए कि आपको यहाँ पे कौन से मोड पे कार है वो पता चलेगा. आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखाता है डी पे है या आर पे है, जिस पे भी है. बट यार टाटा को ये इम्प्रूव करना That's चाहिए another EV going on यार. our way. दैट इज The दी BYD BYD Atto एटो थ्री. 3. Yeah, amazing, amazing. बिल्ड योर ड्रीम्स. So EVs are taking over the market to some extent. Like हमने they रास्ते be, में काफी ईवी देख yeah. ली यार. मतलब आई थिंक मैं जब से चला रहा हूँ ये गाड़ी, मैं एटलीस्ट 15 से 20 टियागो ईवीज देख चुका हूँ. प्लस नेक्सॉन को भी अगर काउंट कर ले तो आई थिंक 20-25 ईवीज तो वहीं हो जाती है. So EVs are gaining traction slowly and steadily, और let's say. इसका सस्पेंशन वो स्टिफ है कंपेयर टू आइस व्हीकल्स, जो नॉर्मल नेक्सॉन सॉरी नॉर्मल टियागो है, या बाकी भी जो हैचबैक्स है उनसे काफ़ी स्टिफ सस्पेंशन है. आई थिंक उसका रीज़न ये होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है गाड़ी की. आई 166 mm है. But I think in the Tiago EV, it is due to the heavier battery which is placed quite on the floor. और मे भी ये ईवीज का बिहेवियर ही है, उनका नेचर में है कि जो सस्पेंशन है वो मे भी शायद थोड़ा स्टिफ होता है. क्योंकि आई एक्सपीरियंस दिस ऑन EV6 ऑल्सो, जो किया EV6 है उस पर भी मुझे लगा कि सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है. अगर बैड रोड्स पे आप ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा. तो खैर बट दैट इज अ परफॉर्मेंस वो तो ओरिएंटेड कार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ना, है, बट ऑफकोर्स. हाँ मतलब वो चीज़ कॉमन लगी इससे. और इसके अलावा कार की पिकअप बहुत अच्छी, हाई इसकी टॉप स्पीड वैसे 120 है, जो कि इंडिया में लिमिट भी आई थिंक 120 हाईवेज पे, तो 120 तक तो चली जाती है ये एंड एट 120 द रेंज रेंज का क्या रहेगा, रेंज बहुत रेंज. लिमिटेड हाँ होगी. तो रेंज का मैंने जो इसको ड्राइव किया हाईवे पे, जो गुड़गांव से फरीदाबाद होते हुए नोएडा जो हाईवे है उस पे ड्राइव करने पे मुझे लगा कि
इसको आप 80 के अंदर, 80 भी नहीं मैं बोलूँगा, आप 70 के अंदर चलाइए। बट हाईवे पे वो इशू है कि आपको स्पीड तो रखनी पड़ेगी, मतलब आप इतना स्लो नहीं हो सकते। बट यार ट्राई कि आप 90 क्रॉस ना करें इसको, 100 पे तो ले ही मत जाइए। अगर आपको रेंज एंजाइटी से बचना है तो इसको 80-85 तक चलाइए। अगर आप थोड़े ऐसे ट्रैफिक में है, मतलब कार्स है, ट्रैफिक है, वैसे पैच पे है रोड के, तो 70 पे चलाइए। तो ये आपको काफ़ी अच्छा रेंज देगी। और अगर आपको रेंज एंजाइटी हो रही है तो बेस्ट है कि आप एसी बंद कर दीजिए, विंडो खोल लीजिए। बट विंडो खोलने से फिर ड्रैग कोफिशिएंट बढ़ जाएगा, ड्रैग से भी रेंज कम होता है। तो आप एसी चालू बंद कर सकते हैं वैसे रेंज बचाने के लिए। but, मुझे रेंज एंजाइटी हुई थी हाईवे पे। बट इन दीस हॉट समर्स एसी इज अ मस्ट, एसी इज अ मस्ट। सो वी कांट डू अवे विद एसीज फॉर द सेक ऑफ रेंज। एसी तो चलाना ही पड़ेगा, डोंट यू एग्री विद दिस पॉइंट? एसी वो तभी है जब आपको मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, या सो दिस इज इंडियन रोड्स, टिपिकल इंडियन रोड कंडीशन। Again, a lot of people coming from the wrong side of the road. So steering इसका काफी मुझे लग रहा है low speed में भी अच्छा है, मतलब response अच्छा है। मतलब कुछ cars हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा brand का, but कुछ cars हैं जिनका slow speed पे steering मतलब आप एक finger से ही उसको manage कर सकते हो steering को। तो ये इसका उतना light नहीं होता, थोड़ा सा hard रहता है। But, और हाई स्पीड पे और अच्छा हो जाता है। बट एज दिस कार इज मेनली टारगेटेड एट सिटी यूजेज बिकॉज़ ऑब्वियसली फॉर इट्स रेंज, नहीं तो फील चले जाएगी ना स्टीयरिंग से। नहीं, बट फॉर द सिटी रेंज एट क्रॉलिंग स्पीड्स तो कंपनी शुड हैव ऑप्टेड फॉर मोर सॉफ्टर स्टीयरिंग सेटअप, इजंट इट? हां, मे बी ये वो मोड्स दे देते हैं। अब इसमें रीजन मोड्स दिया हुआ है, ड्राइव मोड्स दिया है, तो एक स्टीयरिंग मोड भी दे देना चाहिए। सब कुछ इलेक्ट्रिक ही है, वो कर सकते हैं। अगेन प्राइसिंग भी एक बिग फैक्टर, प्राइसिंग, या आई थिंक सिर्फ एक्सीवेज 300 में स्टीयरिंग मोड्स आते हैं, यूनिक फीचर है वो। तो ये है, इट्स नॉट एज प्रैक्टिकल, या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर बात करें ईवीज के का ओवरऑल अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें नीचे बैटरी है, क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो एक तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो रहा है, उसके बाद आपको थोड़ा ध्यान से तो चलाना पड़ेगा और ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक 4 mm कम है इसमें, 166 इसमें है और टियागो में 170 होता है, तो वो चीज़ है। और प्लस इसमें वो फील नहीं है गाड़ी चलाने वाला, क्योंकि इंजन है नहीं तो ना वाइब्रेशन है। NVH जो हम लोग बोलते हैं इसमें बहुत सही है। इस मामले में अगर आपको साइलेंस पसंद है कि आपको, आपने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया, बस आप गाड़ी चला रहे हो, वैसे अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है तो आपको, आपके लिए परफेक्ट गाड़ी है। NVH इसमें बहुत अच्छा है, वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है, नॉइज जो है वो रोड नॉइज आएंगे, टायर नॉइज, रोड नॉइज, अगर आप विंडो खोल के रखें तो विंड नॉइज, बट जो इंजन, जो मोटर का नॉइज है वो हल्का सा, एक बहुत माइनर सा नॉइज है मोटर का, जो कि जरूरी है, होना भी चाहिए। वो बाहर भी आता है, आपको बाहर से भी सुनाई दे देगा और अंदर भी आपको थोड़ा बहुत सुनाई देता है। बट या एक होता है कि आप कोई एक मैकेनिकल पार्ट चला रहे हो, एक कोई मशीन चला रहे हो, कार्स क्या है, एक मशीन ही है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो एक फील होता है एक मशीन को चलाने का, वो फील नहीं है, वो किसी भी ईवीज में नहीं होगा, वो तो क्योंकि इंजन होता ही नहीं है। और दूसरा ये चीज़ है, क्योंकि कुछ फील नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता चलता है कि कार बिहेव कैसा कर रही है, मतलब आपको पिकअप तभी पता चलेगा जब कार, और इसमें क्योंकि पिकअप तुरंत आता है ना, आपको तो जीरो से टॉक मिल रहा है, तो वो झटका लगेगा आपको। इंजन होता है गाड़ी में तो आपको पता चल जाता है, वो एक वाइब्रेशन आता है जब इंजन, जब टॉक उसका बढ़ता है, रेव बढ़ते हैं उसके, तो वो आपको फील हो जाता है कि रेव बढ़ रहे हैं इंजन के। इसमें कुछ फील ही नहीं होगा आपको, तो वो आपको झटका लगेगा अचानक से पिकअप कैसे आ गया। और एक बार हम आपको इसका रेंज टेस्ट, ये एक्सेलरेशन टेस्ट भी दिखाते हैं। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर वेदांत, एक बार, या आई विल कंसंट्रेट द कैमरा, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो, ठीक है? लेट मी पुट इट इनटू स्पोर्ट मोड, एस, अभी ये स्पोर्ट मोड में जीरो पे, लेट मी लुक अराउंड, ये कोई गाड़ी नहीं है, ओके,
सो लेट्स स्टार्ट. देयर यू सी द पुल. अमेजिंग. तो ब्रेक भी अच्छे हैं गाड़ी के वैसे तो. So as we see, Abhishek is not taking care of the camera person here. So I am being tossed around. Okay, brakes भी अच्छे. और brakes लगाएंगे तो आपको reward मिलता है. गाड़ी जो है वो charge करती है अपने आप को regen modes पे. But the camera person is not rewarded at all. हाँ, तो आप brakes लगाते रहिए, EV चलाइए और brake लगाइए. So this was my experience. अभी हम लोग आगे और भी videos upload करेंगे तो आप channel पे stay connected to us. सब्सक्राइब करिए चैनल को और आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ड्राइव, इंटीरियर, टेक रिव्यू एंड ऑल दैट. सो वी होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ हमारे एक्सपीरियंस जो आपके काम आए. एंड थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल.